इस जेल का उपयोग कील मुहासे की समस्या में उपयोग किया जाता है। जब किसी के चेहरे पे कील मुहासे का प्रॉब्लम रहता है और वो बहुत सारे जेल बहुत सारे क्रीम लगा लेता है, उससे आराम नहीं मिलता है, तब डॉक्टर के द्वारा ये चेहरे पर लगाने के लिए दिया जाता है। और ये जेल स्किन से रिलेटेड 10 प्रकार की बीमारी समस्याओं में उपयोग किया जाता है। और इस जेल का उपयोग स्किन की सबसे बड़ी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की समस्या में उपयोग किया जाता है। और इस जेल का उपयोग स्किन से रिलेटेड किस प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर किसी के चेहरे पर जब पिंपल्स या मुहासे का प्रॉब्लम हो जाता है, उससे पस निकलता है और उसके चेहरे पर दाग पड़ जाता है, तब डॉक्टर के द्वारा इन सारी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ये जेल अप्लाई करने के लिए स्किन पर लगाने के लिए दिया जाता है। और जैसे कि आज हम आपको बताएंगे इस जेल में क्या कंपोजिशन, क्या साल्ट पाया जाता है, इस जेल को लगाना कैसे होता है, इस जेल का उपयोग क्या होता है, ये जेल एक दिन में कितनी बार लगाना होता है, इस जेल का साइड इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में आज हम आपको हिंदी में जानकारी देंगे। इस जेल का कंपोजिशन बेंजोइल पर ऑक्साइड जेल होता है। ये जेल एक प्रकार से एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है। ये जेल बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है, यानी ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्किन पर जब हो जाता है तब डॉक्टर के द्वारा ये जेल अप्लाई करने के लिए बताया जाता है। इस जेल का उपयोग मुख्य रूप से स्किन से रिलेटेड सबसे बड़ी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की समस्या में उपयोग किया जाता है, त्वचा पर लगाने के लिए, यानी स्किन से रिलेटेड अगर किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तब डॉक्टर के द्वारा ये जेल अप्लाई करने के लिए दिया जाता है स्किन, या फिर जब किसी के चेहरे पर एक्निक या फिर पिंपल्स या फिर मुहासे की समस्या हो जाता है, वो बहुत सारे क्रीम बहुत सारी दवाइयाँ खा लेता है, उससे आराम नहीं मिलता है, तब डॉक्टर के द्वारा ये जेल स्किन पर यानी चेहरे पर लगाने के लिए बताया जाता है, जिससे जो उसके चेहरे पर कील मुहासे हो जाते हैं उसमें पस निकलता है, चेहरे पर दाग पड़ जाता है। जैसे कि अगर कील मुहासे एक्नी की प्रॉब्लम चेहरे पर हो जाता है तो आपने देखा होगा एक जगह हुआ तो फिर दूसरे जगह हो जाता है, तीसरी जगह हो जाता है, पूरे चेहरे पर कील मुहासे और एक्नी की प्रॉब्लम हो जाता है, ये लगातार निकलता रहता है। अब बहुत सारी दवाइयाँ बहुत सारी मेडिसिन खा लेते हैं, ठीक नहीं होता है, तब डॉक्टर के द्वारा ये जेल स्किन पर यानी फेस पर लगाने के लिए बताया जाता है, जिससे जो आपके चेहरे पर एक्निक पिंपल्स कील मुहासे का समस्या यानी जो प्रॉब्लम रहता है स्किन से रिलेटेड जो समस्या रहता है वो ठीक हो जाता है। और जैसे कि ये क्रीम आपके चेहरे का जो स्किन होता है उसे शाइनिंग कर देता है, यानी चेहरे पर ये गोरापन भी लाता है। रेजर बम्स नाम की एक बीमारी होती है स्किन से रिलेटेड, तब डॉक्टर के द्वारा रेजर बम्स की समस्या में इस क्रीम को स्किन पर अप्लाई करने के लिए बताया जाता है। मुख्य रूप से इस जेल का उपयोग पिंपल्स एक्निक कील मुहासे की समस्या में, जब किसी को बहुत ज़्यादा कील मुहासे पिंपल्स एक्निक की प्रॉब्लम रहती है और वो बहुत ज़्यादा पूरे चेहरे पर हो जाता है, एक प्रकार से बहुत ज़्यादा उसके चेहरे पर फैल जाता है, तब डॉक्टर के द्वारा ये जेल चेहरे पर अप्लाई करने के लिए दिया जाता है, जिससे जो उसके चेहरे पर कील मुहासे पिंपल्स एक्निक की जो प्रॉब्लम रहता है वो ठीक हो जाता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं ये जेल लगाना कैसे होता है, इस जेल का उपयोग क्या होता है। जैसे कि आप जब रात को सोने के लिए जाते हैं तो सोने से पहले आप अपने स्किन को यानी आप अपने चेहरे पर, अगर आपके चेहरे पर पिंपल से एक्नी की या फिर मुहासे की समस्या है तो सबसे पहले आप अपने चेहरे को अच्छे से धुल लें, उसके बाद में साफ कपड़े में उसे एक प्रकार से साफ कर लें, यानी आपने फेस को अच्छे से साफ कर लें। उसके बाद में ये जेल आप अपनी उंगली में लेकर के जहां पर आपको स्किन पर इन्फेक्शन है, यानी अगर आपके पूरे चेहरे पर यकनी की या पिंपल्स कील मुहासे के प्रॉब्लम है तो आप ये जेल आप अपने पूरे चेहरे पर लगा लें। लगाने के बाद 4 से 5 घंटा बाद जब भी आप उठें तो सबसे पहले आप अपने चेहरे को अच्छे से धुलें, उसके बाद में आप धूप में निकलें। ये जेल दिन में 2 बार लगाने के लिए डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है। ये जेल आप कभी भी लगा के धूप में ना निकलें। चलिए अब हम आपको इस जेल के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताते हैं, इस जेल का क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखा गया है। जैसे कि जब ये जेल आप अपने स्किन पर अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर जलन की समस्या हो सकती है, हीटिंग के जैसा महसूस हो सकता है, खुजली की समस्या हो सकती है, रेडनेस सा महसूस हो सकता है। अगर ये जेल लगाने के बाद में अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट दिखे तो तुरंत ये जेल बंद कर दें और अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से तुरंत जरूर संपर्क करें। इसके अलावा अगर आपको और कोई दिक्कत या फिर और कोई स्किन से रिलेटेड कोई समस्या है तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से जरूर संपर्क करें, फिर कोई क्रीम कोई जेल कोई मेडिसिन उपयोग करें।